25 बार सुना। बहुत अच्छी खबर है। क्या मेरे मुल्क की सरकार पलट गई है? और क्या मेरी परदादी को वो फिर से रानी बनाने वाले हैं? है? नहीं, मैं अपनी स्वीट 16 बर्थडे पार्टी तुर्को शटर के पपी रेस्टोरेंट में करने वाली हूँ। तो सैटरडे को कोई प्लान्स मत बनाना। बहुत बहुत अच्छी खबर है। क्या मेरे मुल्क की सरकार पलट गई है? और क्या मेरी परदादी को फिर से रानी बनाने वाले? जंग बहादुर चुप रहोगे प्लीज? नहीं मान सिंह जी, मैं तब तक चुप नहीं रहूंगा जब तक मेरे मुल्क की दुनिया की सबसे बड़ी सबसे मजेदार स्वीट 16 बर्थडे पार्टी यानी मेरी बर्थडे पार्टी में आप सब इनवाइटेड हैं। अगर तुम मेरे बर्थडे पार्टी में होगी तो मैं तुम्हारे बर्थडे पार्टी में आऊंगी। अगर तुम मेरी पार्टी में आओगी तो मैं तुम्हारी पार्टी में आऊंगी। पार्टी 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 सैटरडे को है, तुम्हारी कब है? फिर भी सैटरडे को है। मैं तुम सैटरडे को कैसे कर सकती हो? उस दिन मेरा बर्थडे है। तो चेंज कर दो। मैं अपनी पार्टी चेंज नहीं कर सकती, मेरी नानी दिल्ली से आ रही है। मैं भी अपनी पार्टी चेंज नहीं कर सकती, कहीं ना कुमार अब किसी एयरपोर्ट से आ रही है। और वैसे इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करने में मुझे पूरे 2 महीने लगे। तुम्हें पता है मुंबई में 15 हाथियों को अरेंज करना कितना मुश्किल काम है। एक मिनट रानी, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारी ये पार्टी हो कहाँ रही है? राजमहल में। और कहाँ? वैसे भी 15 हाथियों के लिए रूम्स और कहाँ मिलेंगे, है ना? नहीं, क्या वो अपने बैग्स भी लेके आएंगे? चलो बहुत काम करना है। सब 15। लेकिन रानी तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हारा बजट तो पूरे 6 महीने पहले था ना। तो पार्टी तो मैं कभी भी कर सकती हूँ। लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है तुम अपने बर्थडे पर किसी क्रूज पर गई थी, अगर वो तुम्हारी पार्टी नहीं थी तो क्या था? वो ट्यूसडे था। जंग बहादुर, मुझे तुमसे सीरियस बात करनी है। ओ वाह, क्या मेरे मुल्क की सरकार फिर से पलट गई है? उसी के बारे में खबर है ना? सब कुछ ठीक तो है ना? और क्या वो मेरी परदादी को फिर से रानी बनाने वाले हैं? अगर ऐसी बात है तो ये तो बहुत खुशी की बात है। आप पता नहीं पर मैं विनी के लिए एक परफेक्ट गिफ्ट ढूंढना चाहता हूँ। क्या तुम्हें पता है उसे क्या चाहिए होगा? हाँ, विनी ये चाहती है कि रानी जी अपने पार्टी का टाइम चेंज कर दे। मैं सोच रहा था कोई ऐसी गिफ्ट जो मैं दुकान में जाके खरीद सकूं। लड़कियों को क्या अच्छा लगता है, आज तो कोई लड़का जान पाया क्या? विनी के लिए परफेक्ट गिफ्ट मिल गया, सिवाय कबीर के। इसमें क्या है? इसमें विनी की सबसे फेवरेट नेचर मैगजीन का सेट, जैस्मिन परफ्यूम की बॉटल, 2 सिल्वर इयररिंग्स और 1 जापानीज डॉल। लेकिन तुझे कैसे पता कि विनी को ये सब चाहिए? पिछले हफ्ते ही उसने मुझे कहा था कि मुझे मेरे जन्मदिन पे नेचर मैगजीन का सेट, जैस्मिन परफ्यूम की बॉटल, 2 सिल्वर इयररिंग्स और 1 जापानीज डॉल चाहिए। तो जब उसने ये सब कहा तो मैं क्या कर रहा था? तो उसकी आंखों में आंखें डालकर किसी सपने में खो गया था। खैर वो सब छोड़, मुझे बिनी के लिए एक परफेक्ट गिफ्ट ढूंढनी है। तू मुझे ये दे दे। नहीं, नहीं देगा तो बेच दे। बोल कितने में बेचेगा? करण, मैं तुझे ये गिफ्ट नहीं देने वाला। ठीक है, अगर तू मुझे ये गिफ्ट नहीं देगा तो मैं बिनी के लिए एक परफेक्ट गिफ्ट नहीं ढूंढ पाऊंगा और फिर हमारे बीच में प्यार नहीं होगा, इसका मतलब हमारी शादी नहीं होगी और फिर मैं जिंदगी भर तेरे घर पे रहूंगा, तेरे सोफे पे सोऊंगा, तेरे फ्रिज से खाना खाऊंगा, मेरे कपड़े तुझसे धुलवाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। सोच ले बेटा कबीर। ठीक है, मैं बिनी के लिए दुनिया का सबसे बेस्ट गिफ्ट लेने के लिए तेरी हेल्प करूंगा। थैंक्स। हे गाइस, मेरा बर्थडे है और मैं एक पजामा पार्टी थ्रो कर रही हूँ। सब लोग अपनी पजामास पहना, ठीक है? मेरा इनविटेशन कार्ड कैसा है देखो, मैं इस पे पजामास ड्रॉ किए हैं। बहुत अच्छा विनी। ये खरगोश कितना क्यूट है। मेहरबान खबरदार। खबरदार? आई थिंक वो कदरदान कहना चाहती। मैं आप सबको अपनी 16 बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने आई हूँ। और रानी, बिनी हमें अपने बर्थडे में तुमसे पहले ही इनवाइट कर चुकी है। तुम्हारे बर्थडे पर खरगोश आने वाले? नहीं, वो तो मेरे बेडरूम स्लिपर्स हैं। मैं पजामा पार्टी थ्रो कर रही हूँ। How cute. इन दोनों को दे दो। क्या ये तुम्हारा इनविटेशन है? हाँ।
रानी के 16वां सालगिरह के अवसर पर हमारा साथ दीजिए साल की सबसे बड़ी पार्टी में, जिसमें राजमहल होगा एक सर्कस। करण कभी तुम दोनों आ रहे हो ना? नहीं वो नहीं आ पाएंगे क्योंकि वो मेरे बर्थडे में आ रहे हैं। रानी पार्टी में सचमुच जायंट व्हील होगा? हाँ रानी, तुम अपने फैंसी इनविटेशंस जायंट व्हील्स और हाथियों की राइड से करण कबीर को नहीं खरीद सकती है ना? हाँ और रिटर्न के समय सबको 40 इंच का प्लाज्मा टीवी गिफ्ट कर रही हूँ। 40 इंच का प्लाज्मा टीवी? उससे मैं खरीदना जा सकता हूँ लेकिन मैं नहीं। कबीर एक एक्स्ट्रा रिटर्न गिफ्ट लाना। करण मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, चल बिनी की बर्थडे गिफ्ट लेने चलते हैं। नहीं कबीर अभी मैं बिजी हूँ, अभी मैं नहीं आ सकता। लेकिन करण बिनी का बर्थडे इस सैटरडे को ही आ रहा है, हमें जल्दी शॉपिंग करनी होगी, तो इस बात को टाल मत। नहीं कबीर कल चलेंगे पक्का प्लीज। आज हमारी टीम सेंट माइकल्स के गोचुओं के साथ मैच खेल रही है, चल भाई। हाय बिनी। हाय प्रीति। तो तुम 16 साल की होने वाली हो, कैसा लग रहा है? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरे पास रानी की तरह हाथी और जायंट व्हील तो नहीं है, लेकिन बर्थडे के लिए परफेक्ट लोकेशन है, म्यूजिक के लिए परफेक्ट बैंड है और पहनने के लिए परफेक्ट ड्रेस। अरे वाह, यानी कि सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। हाय बिनी, मेरा मतलब है मोटी। गोलू, मिसेज जयसवाल को हेलो बोलो। प्रीति, ये मेरा बदमाश भाई गोलू। हाय गोलू। एक बुरी खबर है बिनी। क्या? डेंटिस्ट ने कहा है कि मेरे दांतों में ब्रेसेस लगाने होंगे। तो ये मेरे लिए बुरी खबर कैसे हुई? डेंटिस्ट के पैसे तेरे पार्टी के अकाउंट से जाने वाले हैं। अब तेरी पार्टी टिंकू छटेल की जगह साई सागर हॉल में होगी। पैसे काफी बदमाश है। प्रीति। एंट्री तो अच्छी थी पर लैंडिंग पे काम करना। इसीलिए कहते कि रिहर्सल करना जरूरी है। या तो इन डेकोरेशंस को थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा या तुम चार को छोटा। वैसे रानी मैं तुम्हें बता दूं कि पार्टी की हर तैयारी हो चुकी है। ओके, मॉम एंड डैड को होटल के अलग अलग रूम में रखा है ना? होटल के अलग अलग सेक्शंस में। बिनी, वैसे तुमने क्या डिसाइड किया? तुम मेरी पार्टी में आ रही हो ना? नहीं, मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं अपनी पजामा पार्टी में जाऊंगी। ठीक है, मेरी पार्टी में करीना परफॉर्म कर रही है और मेरी पार्टी में दब्बू चाचा, और जब अपना भजन गाते हैं ना तब सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ पे सब कुछ कितना एक्साइटिंग लग रहा है ना? ये पार्टी बहुत एक्साइटिंग होने वाली है। मैं कितनी एक्साइटेड एक्साइटेड हूँ। रानी, मैं तुम्हारी पार्टी कभी मिस नहीं करती। लेकिन तुम लोग तो मेरी पार्टी में आने वाले थे ना? बिनी आएंगे ना अब बाद में, अब इसलिए तो हम इस पार्टी में जल्दी आ गए। ड्रामा किसी और के सामने करना। बिनी, फिर वो मेरे भी फ्रेंड्स हैं, और अगर ये मेरी पार्टी में आते तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ये तुम्हारी पार्टी में सिर्फ तुम्हारे गिफ्ट्स के लिए आ रहे हैं। सच? नहीं रानी, तुम तो जानती हो ना मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं तो यहाँ सिर्फ गिफ्ट्स के लिए आई हूँ। चलेगा। कितनी सारी गिफ्ट्स। चल 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 चल। फाइन, तुम लोग एंजॉय करो, मेरी पार्टी में मेरे असली दोस्त आएंगे और मेरी पार्टी में भी मेरे असली दोस्त आएंगे।
इसका मतलब हम दोनों दोस्त नहीं रहे। हे, मुझे इनविटेशन मिली थी, मैं घर पे भूल आई। और बिन बुलाए गेस्ट? हाँ, यहाँ इस पार्टी में इतने बिन बुलाए गेस्ट आए कि बाहर उनकी बिन बुलाई पार्टी चल रही है। लेकिन अंदर मुझे मेरे से असली दोस्त चाहिए। ओके ओके रानी। ओह हाय डार्लिंग, तुम हाय ड्रेस काफी अच्छी लग रही है, हम बाद में बात करेंगे। बाय। ये कौन थी? पता नहीं। बहादुर, ये क्या है? मानसिंह जी, ये हाथी लोग कितना खाते हैं। वैसे हमारे गार्डन में कुछ नए पेड़ों की जरूरत होगी। क्यों? वो हाथी लोगों को भूख लगती है ना, वैसे एक नए गार्डन की भी जरूरत होगी। रानी, जब तुमने मुझसे कहा था कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे गेस्ट का ख्याल रखूं, मुझे लगा था कि तुम बॉलरूम की बात कर रही हो, ना कि बाथरूम की। मैं चाहती कि मेरे गेस्ट का ख्याल हर जगह पे रखा जाए। कोई बात नहीं प्रीति, बाथरूम भी तो रूम ही होता है। एक्सक्यूज मी, अरे भाई साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? ये एक प्राइवेट पार्टी है, क्या कर रहे हैं आप लोग? कौन है आप? कौन से? मैं हूं। अब मिस्टर ओब्रॉय, मैं आपको बता दूं कि कई अरसों के बाद आपको देखकर अच्छा लग रहा है। मेरा मतलब है कि आपकी सिक्योरिटी को कई अरसों के बाद देखकर अच्छा लग रहा है। डैडी, आप आ गए। मैं तुम्हारी पार्टी कैसे मिस कर सकता था? कुलजो सिमसन, ये रहा तुम्हारा प्रेजेंट। ये गिफ्ट, ये डैडी। मिस्टर ओब्रॉय, मैं आपको ये भी बता दूं कि आपकी पत्नी भी यहाँ पहुंच चुकी है। क्या? खतरा! मिस्टर ओब्रॉय, आपका सेक्शन उस तरफ नहीं, इस तरफ है। नानी। हाँ बोलो। मेरे दोस्त आएंगे ना? जरूर आएंगे। अरे क्यों नहीं आएंगे, तब और भी मजा आएगा। और भी? हाँ, देखो ना कितना मजा आ रहा है, मेरे मम्मी डैडी कितना एंजॉय कर रहे हैं, देखो। मेरा बच्चा टेढ़े मेढ़े दांतों के साथ नहीं बड़ा होगा। मेरे दांत भी टेढ़े मेढ़े हैं, मेरी लत तो अच्छी है। हाँ क्यों नहीं, तभी पिछले दो साल से घर पे बैठे हो। मैं घर पे नहीं बैठा हूँ, मैं राइटर हूँ, मेरा घर ही मेरा ऑफिस है। सब बहुत मजे कर रहे हैं। करण, तुम आ गए। हाँ, और तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे अच्छी गिफ्ट लाया हूँ। ओह थैंक्स। और तुम्हारे साथ और कौन कौन आया है? कोई नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी पार्टी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तुम आज कितने साल की होगी? मेरा मतलब है, तुम्हारी पार्टी एकदम बड़े लोगों की पार्टी की तरह है, मतलब सोफिस्टिकेटेड और मैच्योर। हाँ, ये इस दुनिया की सबसे हैपनिंग पार्टी है। ड्रेसेस मेरे भाई को लग रहे हैं और सफर मुझे करना पड़ रहा है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे पास कोई दोस्त नहीं सिवा इस गोचू के। इधर आ, तेरे दांत तो मैं ही सीधे कर दूंगा। सुना तुमने, लगता है मेरे स्कूल फ्रेंड्स आ गए। पता नहीं लोगों को इतनी देर क्यों लग गई। लगता है थोड़ी ज्यादा ही देर कर दी। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ हाउजी खेलने आए। लेकिन आज शाम के लिए ये हॉल मैंने अपने बर्थडे पार्टी के लिए बुक की है। हर शनिवार की रात हमारे यहाँ हाउजी पार्टी होती है। चलो दोस्तों, अपने अपने कार्ड उठा लो, गेम शुरू करते हैं। हाँ रैडी, मैं बस आ रही हूँ। रानी 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 रानी, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वहाँ पे तुम्हारा केक कट हो रहा है। केक? लेकिन मेरी कैंडल्स किसने बुझाई? मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उसके साथ पिक्चर क्लिक कर ली। रानी, तुम्हारे मॉम डैड तुमसे मिलने के लिए बेताब हो रहे हैं, और उनके फोन और मैसेजेस ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है, और तुम्हारी मॉम ने एक केला मेरे सर पर दे मारा। मुझे तो डर लग रहा है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। डैड मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, मॉम मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना नहीं चाहते, मैं क्या करूं? लंबी सांस लो रानी, लंबी सांस लो। अब छोड़ दो ना। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए टाइम टेबल बनाया है।
एक घंटे में से 30 मिनट तुम अपनी मम्मी के साथ रहोगी और अगले 30 मिनट तुम अपने डैडी के साथ रहोगी। और बाकी की 5 मिनट तुम पार्टी करना। okay. चलो अब मुझे जाना पड़ेगा बिकॉज बाहर एक इमरजेंसी है, एक गेस्ट को एक नई पैंट चाहिए। क्यों? क्योंकि हाथी को ज्यादा ही भूख लगी थी और उसने उस गेस्ट की पैंट खा ली। ओके, साथ से सारे साथ डैडी के साथ। रानी, घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हारी वो करीना है ना, वो बाथरूम में ही सो गई है, तो उसका क्या करें? I don't care. जो करना है कर लो। क्या हुआ रानी? इतनी बड़ी पार्टी में मजा नहीं आ रहा? नहीं, मेरे सिवाय यहाँ पे सब मजे करें। आधे गेस्ट को तो मैं जानती भी नहीं हूँ, और मॉम डैड वो मुझे यहाँ से वहां भगा रहे हैं, और जो बाहर मेरा पोस्टर लगा उसमें मैं कितनी गंदी दिख रही हूँ। रानी, एक पोस्टर ही तो है, हम हटवा दे। पता है कभी कभी कुछ चीजों को लेकर ना हम अपनी उम्मीदें इतनी बढ़ा देते हैं कि जब वो होती हैं हमें इतना मजा नहीं आता। कोई बात वैसे बिन्नी की पार्टी बहुत मजेदार हो गई ना, उसने तो कोई उम्मीद ही नहीं रखी थी। हाँ, लेकिन उसने ये उम्मीद तो रखी थी ना कि उसकी दोस्त उसकी पार्टी में आएगी। दो मोटी आंटीज, 8 और 8, 88। मेरी उम्र 73 इयर्स। ये मेरी लाइफ की सबसे बोरिंग बर्थडे पार्टी है। स्माइल करो ना बिनी, प्लीज। कैसे स्माइल करूं? क्यों करूं? स्माइल करने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। फुल हाउस, एक्सक्यूज मी सर, फुल हाउस। फुल हाउस बिनी, फुल हाउस। अरे बेटा देखो, मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा, वही हुआ, सब ठीक हो गया। इस पार्टी को कोई भी ठीक नहीं कर सकता। आई एम सो सॉरी नानी, आपको दिल्ली से यहाँ सिर्फ इस बोरिंग बर्थडे पार्टी के लिए आना पड़ा। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? अरे मैं तो इस पार्टी को बहुत इंजॉय कर रही हूँ मालूम, और 3-3 आइटम मैं बनाना सीख गई हूँ, तुम्हें पता है। हाँ जी, आ रही हूँ। अच्छा, वो पनीर में क्या डालना है इसके बाद? चलो, कोई तो इस पार्टी को एंजॉय कर रहा है। बिनी, जब तुम मेरी गिफ्ट खोलोगी तुम भी खुश हो जाओगी। चांस ही नहीं है, मुझे स्माइल कराने का सिर्फ एक ही तरीका है, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे प्रेजेंस में मेरे दोस्त छुपे हुए होंगे। कम ऑन, चीयर अप बिनी, कम से कम तुम्हें फुल हाउस तो मिल गया ना। सॉरी बेटा, ये फुल हाउस नहीं है, इसमें 2 नंबर अभी बाकी है। फुल हाउस बाकी है, तुम गेम से आउट। सॉरी मैम, बिना इनविटेशन के आप अंदर नहीं जा सकती। मुझे इनविटेशन की कोई जरूरत नहीं है, मैं रानी ओबेरॉय हूँ कि मेरी पार्टी है। कोई सबूत? लगता आपने मुझे पहचाना नहीं। ये देखिए, ये रानी। ओ या, रानी ओबेरॉय, राइट? मैंने आपको पहचान लिया। अब आप एक काम कीजिए, उन लड़कियों के साथ जाकर खड़े हो जाइए। वो लड़कियां भी अपने आप को रानी ओबेरॉय कह के इस पार्टी में घुसने की कोशिश कर रही थी। आप जाइए, प्लीज गो एंड स्टैंड ओवर देयर, जाइए आप। तो मजा आ रहा है बेटा? नहीं, मैंने हमेशा सोचा था कि मेरी 16th बर्थडे पार्टी मेरी लाइफ की सबसे मजेदार शाम होगी, जहाँ मेरे सारे दोस्त आएंगे, बहुत सारे प्रेजेंट्स होंगे। लेकिन जो तुम्हारे पास है वो और किसी के पास नहीं बेटा, तुम्हारे पास फैमिली है जो तुम्हें कितना प्यार करती है, पता? हाँ, वो तो है। सिवाय गोलू के। अरे गोलू तो घोंचू है। अरे दिल्ली से इतना दूर मैं तुम्हारे लिए आती हूँ, इन सब के लिए थोड़ी आती हूँ क्या? नानी। एंजॉय द पार्टी बेटे। बिनी, मैं तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे अच्छी गिफ्ट लाया हूँ, जरूर इसे देखकर तुम्हारे चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। थैंक्स करण। वाओ, ये तो परफेक्ट है, और इसमें एक कार्ड भी है। कार्ड? कौन सा कार्ड? डियर बिनी, हैप्पी बर्थडे। लेकिन ये गिफ्ट करण ने नहीं, मैंने खरीदा है। लव कबीर। कबीर को तो छूऊंगा नहीं।
उसने कार्ड भी अंदर रख दिया। सॉरी बिनी, मैं तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे अच्छी गिफ्ट लाना चाहता था, लेकिन हमारी बास्केटबॉल चैंपियनशिप थी इसलिए मैं जा रही। ये मेरा आज तक का सबसे अच्छा प्रेजेंट है। लेकिन ये कभी ने खरीदा है, मैंने नहीं। मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, तुम मेरे बर्थडे पार्टी के लिए आए, उससे अच्छा प्रेजेंट और क्या हो सकता है। लड़कियों को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आप कौन आया? जानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे मेरी पार्टी में घुसने नहीं दिया। क्या मुझे इस पार्टी के लिए इनविटेशन चाहिए? नहीं नहीं, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हें अपनी रॉकिंग सी पार्टी छोड़ के यहाँ आना पड़ा। सच बात तो है कि मुझे मेरी पार्टी में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। लेकिन तुम्हारी पार्टी मेरी पार्टी से बदतर नहीं हो सकती। मम्मी और डैडी ने ना मुझे भगा भगा कर मेरी हालत ख़राब कर दी, वो भी बिना एक दूसरे से बात किए। काश मेरे मॉम डैडी एक दूसरे से बात नहीं करते। तुम भी मेरे साथ नहीं थी। अब लेकिन अब तो हम साथ हैं। अब गेस्ट बूढ़े हुए तो क्या हुआ, हम लोग तो पार्टी कर सकते हैं। बिल्कुल सही, जब हम दोनों साथ हो तो हमें किसी और की क्या जरूरत है। सही कहा। Thank goodness. हमने कहा था ना कि हम आएंगे। सब लोग यहाँ पे कितने मजे कर रहे हैं, रानी और उसके पापा भी। डैडी कितना मजा आ रहा है ना। तो तुम मुझसे पक्का गुस्सा नहीं है? किस चीज के लिए? वो गिफ्ट चलाने के लिए? नहीं नहीं, मैंने तुझे माफ कर दिया, लेकिन तुझे भी मुझे माफ करना होगा। किस चीज के लिए? वो मैंने तेरे वीडियो गेम पे पानी गिरा दिया और वो नहीं चल रहा। क्या? चलो सब कुछ माफ।